हेलो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूजिंग प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको बहुत सारे एंगल दिए मैं केवल दो एंगल ड्रॉ करके बता रही हूँ 20 डिग्री एंड 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक किस तरीके से मूव करती है क्लॉक इस तरीके से मूव करती है यह है क्लॉकवाइज ठीक है और हमें करना है एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से जीरो डिग्री यहां होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रे ड्रॉ करेंगे फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ रे आप ये रे का एंड पॉइंट है और ये और इस रे को नाम दे देते हैं बी सी <coughs> तो हमने रे ड्रॉ करी बी सी फिर हम क्या करेंगे कि रे का जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है बी उस पर हम प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि प्रोटेक्टर के बेस लाइन और रे को इंसिडेंट हो मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हो ठीक है तो हम ये रख लेते हैं <coughs> इसके बाद हम क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज बनाना है इसलिए क्या होगा हमें इस तरीके से घूमना है तो नीचे वाला जो इसका स्केल है प्रोटेक्टर का उसके नीचे वाले रीडिंग पढ़ेंगे जीरो से और हमें कहाँ तक करनी है ट्वेंटी डिग्री फर्स्ट एंगल हमारा ट्वेंटी डिग्री है तो ट्वेंटी डिग्री को यहाँ करेंगे इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए और इस पे हम एक रे को बी ए एक रे ड्रॉ कर लेंगे इसको कनेक्ट कर देंगे और ये हो गई हमारी रे बी ए ये एंगल हो गया ट्वेंटी डिग्री जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेप लिखें ठीक है तो मैं स्टेप दोनों के एक साथ लिख दूंगी जैसा एक का लिखा जाएगा वैसे ही सेकंड का जो भी हम कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारा दूसरा कि हम क्या करें 45 डिग्री का वो 115 डिग्री का एंटी क्लॉक वाइज ड्रॉ करें सेम ऐसे ही एक रे ड्रॉ करेंगे बी सी एक रे है एंटी क्लॉक है ये भी ये रे हो गया और जो एंड पॉइंट है वो है बी उस पर हम अपने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखेंगे और उसके बेस को रे से कोइंसिडेंट करेंगे और इनर वाले स्केल को पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ तक हमें 115 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये हो गया 120 और 110 के बीच का एंगल 115 और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे ए और इसको हम क्या कर लेंगे ज्वाइन कर देंगे बी ए रे बी ए को हम जोड़ देंगे ठीक है और ये हमारा एंगल हो गया 115 डिग्री अब ये जो भी हमने दोनों एंगल बनाए हैं इनको हम क्या करेंगे इनको हमें लिखना है लिखने में कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे हैं वो का वो हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो मैं लिखती हूं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं स्टेप्स मैं केवल एक का लिख रही हूं 20 डिग्री का सेम वैसे ही स्टेप आपको किसके लिखने 115 डिग्री के तो सबसे पहला काम क्या किया था हमने ड्रॉ आर रे बी सी एक रोड रे ड्रॉ की थी और जिसका क्या था विथ एंड पॉइंट जिसका एंड पॉइंट क्या लिया था हमने एंड पॉइंट था जिसका बी विद एंड पॉइंट बी ठीक है इस पॉइंट को हमने एंड पॉइंट माना था फिर उसके बाद हमने क्या किया था हमने उसके बाद प्लेस सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर हमने प्रोटेक्टर का सेंटर कहाँ रखा था प्लेस सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एट बी बी पे हमने उसका सेंटर रखा था सच डैश किस तरीके से रखना है सच डैट इट बेस उसका जो बेस है प्रोटेक्टर का इट बेस को इंस को इंसिडेंस कोइंसाइट्स चलिए ये किसके साथ करें विद रे बी सी दरे बी सी नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप इसके बाद हमने क्या, क्या था? Zero. हमने zero किया था स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हमने जीरो से स्टार्ट करना शुरू किया द इनर स्केल कौन सा स्केल इस समय इनर स्केल ऑफ प्रोटेक्टर ठीक है इनर स्केल जो था हम क्योंकि प्रोटेक्टर की बात कर रहे हैं टिल कहाँ तक वी रीच हम एक चित्ते डिग्री का एंगल बनाना है हमने फर्स्ट वाला ट्वेंटी डिग्री का था टिल वी रीच ट्वेंटी डिग्री ठीक है तब तक करना है ट्वेंटी डिग्री तक ना पहुंचे मार्क ए एट 20 डिग्री हमने 20 डिग्री पे ए मार्क कर दिया उसके बाद रिमूव प्रोटेक्टर को हमने क्या किया वहां से रिमूव कर दिया रिमूव प्रोटेक्टर और उसके बाद क्या किया ड्रॉ द रे बी ए ड्रॉ रे बी ए हमने मैंने केवल एक का ही लिखा है ट्वेंटी डिग्री का सेम ऐसे ही ट्वेंटी की जगह क्या आ जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टीन और फिर क्या हो गया हमारा ये एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड एंगल वोज मेजर इज ट्वेंटी डिग्री मेजर इज ट्वेंटी डिग्री ठीक है सेम यही स्टेप और स्टेप कंपल्सरी है सेम यही स्टेप आप किस में लिखोगे जो आप बाकी एंगल्स बनाओगे 115 का है और भी 85 का है जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिए हैं सभी एंगल्स में यह स्टेप लिखोगे क्वेश्चन नंबर टू यूजिंग प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एंगल ड्रॉ करने हैं मैं केवल दो एंगल ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही हम क्या करेंगे ड्रॉ रे ए बी वो या कोई भी नाम दे दीजिए चलिए बी सी पहले हमने दिया था अभी भी दे देते हैं बी सी या सी बी ठीक है मैं इसका एंड पॉइंट क्योंकि हमें क्लॉकवाइज करने हैं क्लॉक वाइज मतलब इस तरीके से ठीक है इधर से जीरो शुरू होगा और तो मैं इसको क्या कर देती हूँ रे का नाम दे देती हूँ सी बी ये रे आगे जा रही है और सी क्या है उसका एंड पॉइंट है सेम वैसे ही प्रोटेक्टर का सेंटर हम रखेंगे एंड पॉइंट सी पे और उसका बेस और रे को इंसिडेंट इंसिडेंट होगी ठीक है एक के ऊपर एक आएगी और उसके बाद हम इनर स्केल लेंगे सॉरी आउटर स्केल लेंगे यहाँ पर क्या हमें क्लॉकवाइज करना है और आउटर स्केल लेंगे 35, 35, 30 और 40 के बीच में जो सेंटर पॉइंट है ये 35 मार्क कर देंगे यहां पर ए और फिर हम ज्वाइन कर लेंगे ए और सी को ज्वाइन रे सी ए ठीक है अब एक चीज आपको पता चल रही है यहां एंगल्स को देखकर कि जब भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है तो इन दोनों के बीच ये जो लाइन होती है हमेशा इसके ऊपर आ रही है 90 डिग्री से लेस में हमेशा किसकी आती है जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर इस तरीके से टेढ़ी लाइन आती है ठीक है ना बाहर की तरफ नहीं जाती है ठीक है चाहे वो क्लॉक वाइज बनाएं चाहे एंटी क्लाक वाइज बनाएं सेम नेक्स्ट हमें क्या करना है हंड्रेड डिग्री का बनाना है सेम ऐसे ही हम इसको करेंगे क्या करेंगे एक रे सी बी रे कर लेते हैं एंड पॉइंट इज सी और यह है रे इस तरीके से जा रही है बी प्रोटेक्टर का बेस सी पे रखेंगे और आउटर स्केल लेंगे ठीक है क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे आउटर स्केल लिया और 100 डिग्री जहाँ पर आ रहा है आउटर स्केल में ये 90 डिग्री ये 100 डिग्री आया आउटर स्केल में और वहाँ पर हम मार्क कर देंगे ए और ज्वाइन कर लेंगे ए एन सी रे सी ए को ज्वाइन कर लेंगे और ये हो गया आपका एंगल हंड्रेड डिग्री ठीक है अब स्टेप केवल मैं एक के लिखूंगी सेम वैसे ही सारे स्टेप लिखने हैं ठीक है तो हम स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप वही जैसे पहले लिखा था ड्रॉ आर रे ड्रॉ आर क्योंकि मैंने इसका ये पॉइंट माना है तो सी बी कर देती हूं ड्रॉ ए रे सी बी विथ सी एस एंड पॉइंट ठीक है बस यही यहां एक पॉइंट ये चेंज होगा जो पहले था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फिर क्या है प्लेस सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर कहां रखना है एट सी एट सी और किस तरीके से रखना है सच that इट बेस को इंस इंसाइट्स किसके रे सी बी ठीक है आप उसके बाद हमने क्या किया था स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ये चीज याद रखनी है एक ये चेंज था स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो यहां तक तो हमने वहां भी ऐसे ही किया था फ्रॉम जीरो रीड द आउटर आपकी बार हमें क्या पढ़ना है आउटर स्केल टेल वी रीच कहां तक पहुंचना है हमें थर्टी फाइव डिग्री जितने भी एंगल हो रीच एट मार्क थर्टी फाइव डिग्री जितना भी आपको जाना है जो भी दिया एंगल वहां तक पहुंचना है जहां पर मार्क उस एंगल का हो नेक्स्ट मार्क पॉइंट ए मार्क पॉइंट ए अगेंस्ट किसके आगे अगेंस्ट मार्क 35 डिग्री जहां पर हमने मार्क किया था 35 डिग्री वहां पर ए मार्क कर देना है उसके बाद रिमूव प्रोटेक्टर रिमूव प्रोटेक्टर हमने हटा लिया था और क्या किया था रे बी ए ठीक है सॉरी डॉ रे ये रे थी हमारी सी ए रे हमने खींच ली तो एंगल ए सी बी देखिए जो एंगल है वो सेंटर में है एंगल ए सी बी एंगल ए सी बी इज रिक्वायर्ड एंगल वॉज मेजर इज थर्टी फाइव डिग्री थर्टी फाइव डिग्री तो इससे हमें क्या पता चला चाहे एंगल वो आ, एंटी क्लॉक वाइज बनाएं या क्लॉक वाइज बनाए जो एंगल मोर देन नाइन्टी डिग्री होता है वो जो बेस लाइन है उससे दूर जाता है ठीक है ना देखिए इसके पास नहीं इससे दूर की तरफ जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ फोर सेंटीमीटर एट ए ड्रॉ एंगल ट्वेंटी सेवन डिग्री एंड एट बी एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी फाइव अब बहुत ईजी है ठीक है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसकी हमें क्या दे रखा है मेज़र फोर सेंटीमीटर तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए फोर सेंटीमीटर का ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है ये है ए बी अब एज ए सेंटर ठीक है प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे कहाँ पर सेंटर ए पे और हमें एंगल ड्रॉ करना है कितने का 27 डिग्री का तो हमें ये एंगल देखिए यहाँ 22 टू छोटी 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 है तो हमें सेवन लाइनें है, जो हैं वहाँ तक ड्रॉ करना है और उसको हमें नाम दे देना है मैं नाम दे देती हूँ सी और इसको ज्वाइन कर लेंगे ए एंड सी को ज्वाइन कर लेते हैं ये हमारा हो गया ये एंगल हो गया कौन सा 27 डिग्री एंगल कौन सा है सी ए बी अब बी पे हमें एंगल ड्रॉ करना है 125 का तो सेंटर लेंगे बी प्लेस प्रोटेक्टर एट बी और अब हम एंगल लेंगे किसका 125 का और बाहर की तरफ होना चाहिए इसका मतलब अपर वाला वो लेंगे स्केल और 125 ये हो गया 20 ये हो गया 25 और ये हम इसको नाम दे देंगे डी मार्क कर देंगे इस पॉइंट पे और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारे पास एंगल हो गया 125 डिग्री अब मैंने कहा है जो कुछ भी आप चाहे तो हम क्या कर सकते हैं इसको आगे भी ले जाकर इसको आगे तक ले जाकर इसको कर सकते हैं तो ये हमारे पास दोनों एंगल मिलके क्या बन गया एक ट्राइंगल बन गया ये यहां पर टच हो रहा है ठीक है ना तो यहां पर टच हो रहा है तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी जहां पर दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम नाम दे देते हैं सी ठीक है आप जो भी चीज हमने किया है उसको हम क्या करेंगे स्टेप वाइज लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया था लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी नंबर वन ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ठीक है सेकेंड हमने क्या किया था प्लेस प्रोटेक्टर सेंटर एट ए प्रोटेक्टर का सेंटर ए पे रखा था एंड ड्रॉ एंगल क्या क्या था सेंटर पे रखने के बाद हमने क्या किया था या कह सकते हो मार्क 27 डिग्री एट ए एंड ड्रॉ यहीं पे एंगल कर देते हैं एंगल ट्वेंटी सेवन डिग्री ठीक है फिर एट सी ठीक है थर्ड पॉइंट जॉइन सी ए ठीक है सी ए को ज्वाइन कर लिया फिर क्या किया प्लेस सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एट बी पी पे हमने प्लेस किया ठीक है ना फिर क्या किया था उसके बाद ड्रॉ एंगल वन ट्वेंटी फाइव डिग्री ठीक है मार्क डी हमने क्या किया मार्क डी कर लिया था चलिए इसको सी क्या था इसको डी कर लिया मार्क डी उसके बाद जॉइन बी डी ठीक है आप यहां पर मैं कोई और नाम दे देती हूं ए बी सी डी ई नाम दे देती हूं तो पॉइंट वेयर ए सी एंड पी डी intersect name it e ठीक है दस अब हमारे पास ये क्या हो गया एंगल ई ए बी ये वाला एंगल दस एंगल ई ए बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन डिग्री एंड एंगल ई बी ए इक्वल टू वन डिग्री बहुत बहुत इजी है ठीक है तो डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक हैव अ नाइस डे गुड बाय